हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपू वर्मा अपने परिवार इजी एजुकेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोग जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं सबसे पहले आपके पास ये पहुँच जाए। और इससे पहले हमने आप लोगों को विभाज्यता के नियम का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, आज हम आप लोगों को विभाज्यता के नियम का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। और आज हम आप लोगों को आठ से विभाज्यता के नियम का बताने जा रहे हैं। देखिए, आठ से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक 000 हो या आठ से पूर्णतया विभाजित हो, देखिए आठ से विभाज्यता के नियम में हमने यही बताया है कि यदि किसी संख्या का अंतिम तीन अंक आठ से विभाज्य हो या 000 हो, तो हम कह सकते हैं कि यह आठ से विभाज्यता के नियम का शर्त का पालन करता है। हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल है 67,128, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 67,528। अगर हम इसके अंतिम तीन अंक को, जो यह अंतिम तीन अंक दिया है, इसको अगर हम आठ से डिवाइड कर देते हैं तो यह आठ से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। देखिए अब हम इसको डिवाइड करके आपको बताते हैं, भाग देकर बच रहा है 528। 528 में यदि हम आठ से भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे 52 है, तो यह हो जाएगा 8×6=48, 8×7=56, 56 अधिक हो जाएगा, इसीलिए 8×6=48। अब देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो ये संख्या कम है, इसीलिए यहाँ से हम इसमें एक हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से जब हम 8 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी 4 बचा है और यहाँ पर भी 4 बचा है, जब 4 में से 4 घटाएंगे तो वो शून्य हो जाएगा, या उसको हम काट देते हैं। और अब ये और 8 को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए कि ये विभाजित हो जाए। 8×6=48, देखिए यह पूरी तरह से विभाजित हो गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह आठ के विभाज्यता के नियम के शर्त को लागू करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट हम आपको 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में बताएंगे। अब हम आप लोगों को 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में बताएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हम इसमें अच्छा अच्छा टॉपिक ढूंढ ढूंढ कर और मेन फैक्ट डालते हैं, इसको आप मत छोड़िएगा, नहीं तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। देखिए अब हम आपको बताएंगे 9 से विभाज्यता यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल
नौ से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब देखिए, नौ से विभाजित करिए। हमने इसमें लिखा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल नौ से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह नौ से विभाजित के नियम का पालन करता है। देखिए, अब हम आपको इसका एग्जांपल बता दे रहे हैं। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए लिए हमने 34,875 को। अब हमने बताया कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो यह 9 से विभाजित के नियम के शर्त का पालन करता है। तो देखिए, अब हम इसको जोड़कर आपको दिखा दे रहे हैं सभी अंकों को। 3+4+8+7+5। अब देख लीजिए, 4 और 3 7 और 7 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 में जब 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22+5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ दिए तो ये 27 हो गया। अब देखिए, ये 27 आ गया। हमने कहा कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो यदि हम 27 में 9 से भाग दे देंगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 9 + 27 तो ये क्या हो गया, विभाजित हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 9 के विभाजित के नियम का पालन करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब हम नेक्स्ट आपको 10 के विभाजित के नियम के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने 9 के विभाजित के नियम बताया था, अब हम आपको 10 से विभाजित का नियम बताएंगे। देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। हमने आपको बताया 10 की विभाजित का नियम। तो हमने इसमें आपको लिख के दिखाया है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यदि नहीं होगा तो यह 10 से विभाजित के नियम का पालन नहीं करता है। अब हम इसका आपको एग्जांपल दे दे रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 2250। अगर हम इसको 10 से भाग दे रहे हैं, देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ना है कि 22 आ जाए, तो 10 × 20। अगर हम 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसीलिए 22 से अधिक हो जाएगा। इसीलिए हम 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 20। अब हम 2 को रख लेंगे यहाँ पर और 2 में से 2 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, या इसको काट दीजिए। अब यहाँ पर आप उतार लीजिए 5 को, अब फिर पढ़िए तो ये हो जाएगा 10 × 20। अब हम यहाँ पर 5 फिर रख लेंगे और 2 में से 2 को घटा देंगे या काट देंगे, अब फिर 0 को उतार देंगे तो ये हो जाएगा 10 का पहाड़ा पढ़िए कि 50 आ जाए, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50। देखिए, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया ना। तो यही इसका शर्त है कि यदि किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 10 की विभाजित के नियम का पालन करती है। इससे पहले हमने आपको 10 के विभाजित का नियम बताया था,
अब हम आपको 11 की रास्ता का नियम बताने जा रहे हैं और कृपया हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। देखिए अब 11 की रास्ता का नियम। यदि किसी संख्या के विषम स्थान या सम स्थान के योगफल का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो। देखिए अब 11 की व्यवस्था में हमने ये लिखा है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थान या सम स्थान के योगफल का अंतर शून्य हो जाए और उसका वह 11 का गुणज हो, तो इसका हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई संख्या है उसका विषम स्थान लेकर और विषम स्थान लेकर अगर हम उसको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जब उसको हम घटा देते हैं तो वह और जो वह जो मान आता है वो शून्य हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य है। और यदि वह 11 का गुणज है तो भी हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अब देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में लिया 14,641। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको एक बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको विषम संख्या लेना है। तो मान लीजिए हम इसको मान लिए ये क्या है हमारा विषम है और ये क्या है सम है और ये क्या है विषम है और ये क्या है सम है और ये क्या है विषम। ठीक, अब देखिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम विषम को लेंगे। तो मान लीजिए विषम स्थान तक ये हमने ये लिखा है विषम स्थान तक, तो हमारा विषम यही ना हुआ। तो मान लीजिए हम सबसे पहले विषम स्थान लेंगे, विषम स्थान। तो अब हमारा विषम स्थान देख लीजिए, विषम स्थान के नीचे हमारा एक के नीचे ही तो विषम स्थान है। तो मान लीजिए हमारा विषम स्थान एक, ये एक हो गया। अब 6 के नीचे हमने विषम लिखा है तो ये 6 हो जाएगा और अब फिर 1 के नीचे विषम है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसको जोड़ दे रहे हैं तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा और जब 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने आपको कहा सम स्थान तक, तो देखिए सम स्थान में 4 के नीचे सम लिखे हैं और यहाँ भी 4 है उसके नीचे सम लिखे हैं। अब देख लीजिए आपको समझने के लिए आसानी से हम इतना आसान तरीके से आपको बता दे रहे हैं। देख लीजिए और इतना आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए हमारे चैनल को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं भाई। देख लीजिए सम स्थान में देख लीजिए एक हमारा 4 है, 4 के नीचे सम है और यहाँ पे 4 के नीचे हमने सम लिखा है। तो जब हम इस चार को जोड़ देंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया 8 आ गया। अब हमने कहा विषम स्थान या सम स्थान के योगफल का अंतर, ठीक, ये हमने इसको जोड़ दिया तो ये 8 हो गया, इसको हमने भी जोड़ दिया तो ये भी 8 हो गया। अब इसका अंतर निकाल देना है तो ये देखिए विषम स्थान भी 8 है यहाँ पर और सम स्थान भी 8 है, तो जब हम 8 में से 8 को घटा देंगे तो ये 0 आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह 11 से विभाज्यता के नियम का पालन यह संख्या करता है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक लिंक पे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल देंगे, उससे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें
और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ले सकते हैं। अब हम आप लोगों को 12 के विभाज्यता का नियम बताएंगे। अब देखिए 12 की विभाज्यता का नियम देखिए। यदि कोई संख्या 3 और 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 12 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब देखिए हमने इसमें लिखा है कि यदि कोई संख्या है अगर वो 3 और 4 से पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है, किसी संख्या में हमने 3 या 4 से भाग दिया तो पूर्ण रूप से कट जा रहा है या विभाजित हो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर वह 12 से विभाजित हो जा रही है पूर्ण रूप से तो ये समझ लीजिए कि वह 12 से विभाज्यता के नियम का रूल का फॉलो करता है, उस शर्त का पालन करता है। देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल आप लोग को देकर बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई संख्या 936 ले लिया। अब देखिए सबसे पहले तो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में 3 और 4 से विभाज्यता का नियम बताए थे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 3 का विभाज्यता का नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि वह 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 3 और 4 से, तो देख लीजिए सबसे पहले 3 का रूल 3, 9, 3, 6। अब देखिए ये देखिए 9, 3, 6 ये आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18। जब ये 18 हो जाएगा तो जब हम 18 में 3 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये 3 का पालन करता है। ठीक। अब इसी में हमने आपको 4 का भी बताया था, तो 4 का भी दे दीजिए। हम आप लोगों को इसलिए 3 और 4 का बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि 3 और 4 का बताने के बाद आप 12 का विभाज्यता का नियम जान जाएंगे और 12 से भी वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब देखिए 4 का रूल क्या था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई या दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होने के नियम का पालन करता है या उस विभाज्यता के शर्त का पालन करता है। तो देख लीजिए अंतिम 2 अंक का भी ये है, तो अब इसका देख लीजिए ये 36 है। तो अब 36 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, अंतिम 2 अंक हमने दिखाया है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए 4, 9, 36 ये भी कट गया। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये भी 4 से विभाज्यता के नियम का पालन करता है। हमारा मेन उद्देश्य 3 और 4 का बताने का ये था कि यह 12 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देख लीजिए अगर जो संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो 12 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लीजिए अब हम 12 से इसको विभाजित करके दिखा दे रहे हैं। 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 93 आ जाए या इससे ज्यादा मत हो और कम भी मत हो, कम हो जाए पर ज्यादा मत हो। तो देख लीजिए 12 पहाड़ा पढ़िए 12 8 96 अधिक हो गया, 12 7 84 होता है। तो देख लीजिए 12 7 84। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से 3 क्या है कम है, तो यहाँ से हम इसको एक हासिल लेंगे या कैरी लेंगे। तो जब हम हासिल लेंगे तो यह हो जाएगा 13। 13 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
न हो जाएगा और यहाँ पर जब इसको ये हासिल दे देगा तो यहाँ पर 8 बचेगा और ये भी 8 है तो 8 में से 8 आसानी से माइनस हो जाएगा या उसको कट के 0 हो जाएगा या उसको हम काट देंगे तो देखिए 8 में से 8 को जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा और यहाँ पर हमने 13 में से 4 घटा दिया तो ये 9 हो गया। अब हम 6 को यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए आसान हो गया। अब पढ़िए 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 96 आ जाए 96 आ जाए तो 12 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 96 तो 12 8 है 96। अब ये पूर्णतः कट गया तो इसी से हम जांच कर लेते हैं प्रूफ कर लेते हैं कि कोई भी संख्या यदि 3 और 4 से जब विभाजित हो जाएगी तो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा हम लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। जय हिंद जय भारत।